प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो हमारे लीडर हैं, हमारे इंस्पिरेशन हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, झोटवाड़ा की जनता को, राजस्थान की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि अवसर दिया मुझे विधायक बनकर अपने झोटवाड़ा की, राजस्थान की सेवा करने का। और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनटायरिंग, बिना थके जो काम करते हैं और जिस विश्वास के साथ उनकी योजनाएं घर घर पहुंचती हैं, उसी का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रचंड जीत मिल रही है। देखिए, हर जिम्मेदारी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उस दायित्व को 100% पूरा करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, महत्वपूर्ण होता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते, जो मोर्चा मुझे दिया जाता है उस पर मैं 100% काम करता हूँ। आगे भी जैसे हमारी टीम के कप्तान प्रधानमंत्री मोदी जी जैसी जैसी जिम्मेदारी देंगे, हमारी पार्टी जैसी जैसी जिम्मेदारी देगी, उसमें हर एक जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा, महत्वपूर्ण होती है। हम सब मिलकर जब काम करते हैं तभी काम पूरा हो पाता है। तो मेरा जो रोल रहेगा उसमें 100% मैं काम करूंगा, जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। राजस्थान के अंदर कलेक्टिव लीडरशिप के साथ हमने ये चुनाव लड़ा और अब समय के हिसाब से पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में तय होगा। और फिर जैसे भी जिसको जिम्मेदारी मिलेगी, हम सब मिलकर राजस्थान के अंदर एक ऐसा समय लाने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल की भरपाई हो और राजस्थान सभी राज्यों, अग्रणी राज्य हैं, उनकी श्रेणी में आके खड़ा हो। झोटवाड़ा अपने आप में एक बड़ी यूनिक विधानसभा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है। शहरी क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर शहर जैसी सुविधाएं संपूर्ण नहीं है। सो मेरा ये दायित्व तो रहेगा कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के साथ, नगर निगम हो या JDA हो, उन सब के साथ मिलकर यहाँ पर झोटवाड़ा के अंदर सड़कों का निर्माण, पीने का पानी घर तक पहुँचाना, जो हाई टेंशन लाइन्स हैं उसकी समस्याओं का समाधान करना, उसके नीचे सड़कें बनवाना, इन सब का सीवेज लाइन्स तैयार करना, स्वास्थ्य के लिए एक सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ पे खुलवाना, ये सारी मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी।